अरे मिश्रा तोला राम, अच्छा सोचने की बात है। क्या? मैंने घर से बाहर तो करवा दिया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन हाँ जब शराब पी के वापस आया, हाँ मुझे लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये झोपड़ी रमेशवा और राहुलवा ने बनाया, उन्होंने बनाया, यहाँ आकर साले रहने लगे। हाँ। लेकिन एक बात है, हाँ? यार जो राहुलवा की औरत है, सुंदर तो बहुत है, चार बार खाती है, शरीर बनाई है अपनी। अरे भाई जो चार बार खाए हुए शरीर बनाए, तंदुरुस्त। सही बात है बाबू, जो चार बार खाई, क्या है चार बार बे? चार दफे खाती है। हाँ, चार दफे खाती है, चार दफे खाती है, चार दफे खाती है तो उसकी शरीर बनेगी, बनेगी। और शरीर कहाँ बनी? देखो ऐसा है कि हम चलते हैं, लेकिन एक बात याद आ रही है। क्या? कि रमेशवा ने जाते जाते कहा है। क्या कहा था? कि हमारी झोपड़ी की तरफ हाँ? दिखाई मत देना। तो चाचा कौन मुंह लेके जाबे हूं? नहीं, कहते हैं कि चार जूता खाओ तमाशा घुस के देखो। बहुत सही, बात उसकी नहीं है, ये तो हमारा परिवार है। और का भाई परिवार, ये हमारे भतीजे हैं। क्यों नहीं, अगर कुछ कह भी देंगे हाँ? तो हमें बुरा नहीं लगता। अरे भाई अपन परिवार है, अगर क्यों चार छह जूता मार दे तो सही है। देखो इसीलिए मेरा नाम राम जी रारी है, रार ठानना हमारा काम है। हम चल रहे हैं और देखते हैं कि झोपड़ी में कौन कौन है। आओ चाचा जी। भाभी देखो मेरी मड़ैया तो तैयार हो गई, कितनी खूबसूरत मेरी कुटिया बन गई। भाभी माँ देखो एक काम करो। क्या? तुम घर में आराम करो, कुटिया में मैं कुछ लक्कड़ लेकर आऊं, तब खाना पकाया जाए। हाँ ठीक है। ज्यादा दूर ना जाओ दीदी। नहीं दूर नहीं जाऊंगी, वो जो आम का पेड़ दिखाई दे रहा है ना, हाँ। वहीं से हाँ, जा बेटी। बिल्लू तोरू जी। नहीं नहीं पेड़ पर नहीं चढ़ूंगी, नहीं गिर जाऊंगी। ठीक आ जा। हाँ, ठीक है। और सुनो। हाँ भाभी। एक बात का ध्यान रखना। क्या भाभी? किसी के बाग बगीचे में मत जाना और किसी का नुकसान मत करना। ठीक है भाभी, आप क्यों चिंता करती हैं? ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक भाभी, लेकिन बेटा जल्दी लौट के आना। हाँ ठीक है, आप अपना ख्याल रखना। हाँ मैं बहुत जल्दी से जल्द आऊंगी। भाऊजी, भाऊजी, मड़ाई छाय दे है, टटिया बांध है, और एक ठीक ओमा मोहारे लाए वो कहाँ आड़ करे खा टटिया बांधे, कहाँ चलती बांधे, तू अंदर चला बैठा प्रेम से, कौन दीद चिंता न करूँगा। भैया गाँ है टहली। ठीक है भैया, काम पे गाँ है, लौटिया समझाता है, कुछ ना कुछ कमाई गई है तो साग भाजी लावे खोबे करे। भैया संतोष। हाँ भाऊजी। आप तो जानते हैं कि अगर आपके भैया मेहनत मजूरी नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे? भाऊजी हम तोरे साथ ही मेरे चला आए कि तोरे दुख सुख में हमारा साथ दे दी, कम से कम हमारा जीवन उद्धार हो जाए। ओकरे सारे खिया हम ना रहा भाऊजी, उनके सारे के हमका सकल देखे जान ले, हमारे से खूने खौलत रहने जब ताए हुआ रहे। ये बारे भाऊजी हम ओका सारे के छोड़ के चला आया तियारे का। ठीक है भैया। तू भाऊजी मड़हिया में बैठा और चिंता नहीं करूँ, केहू मान ला आइए तो माही डराऊ जिन। ठीक है भैया। भैया रामबली। हाँ भाऊजी। देखो आपके भैया बाजार गए हैं। हाँ भाऊजी। और बड़े भैया काम पे गए हैं। हाँ भाऊजी। चलो मैं अंदर चलती हूँ, उनके लिए कुछ खाना पीना बनाती हूँ। हाँ भाऊजी। और आप बाहर रहना, जैसे कोई आए तो मुझे बताना। ठीक है रामबली भैया। जी हो चला कुछ बनवा, बहुत हमारे भूख लग जाए, अंदर हम बहरे रही कोनो दिक्कत ना समझू। ठीक है रामबली भैया, लेकिन ध्यान रखना कहीं जाना मत। ठीक है। हम कहूँ ना जा भाऊजी, आप बैठिए अंदर जाइए, काम करिए, मैं बैठा हूँ बाहर।
कोई है झोपड़ी में? कौन आ रहे? कौन आ रहे बुलावा था? अरे मैं राम जी रारी हूँ रे। का करे हिया आवा? मैं अपनी बहू को देखने आया हूँ। अब कहा देखा आवा है? अबे ढंग से घर द्वार नहीं बन पाए, टटिया नहीं बांध पाए बने के, का करे हिया आया? वही खड़ा रहा वही मुँह आया जी। हम भौजी से का कहा थी? भौजी से पूछ ली तब तो कह आवे देव। पूछ लो भौजी। क्या है भौजी? ए भौजी। क्या है रामबली भैया? तोरे चाचा आए हैं। कौन चाचा? वो नहीं चाचा। कहाँ है वो और क्या करने आए हैं? पता नहीं क्या करे आवा, उनका मोहरे ले खड़ा कराई मड़ाई को पुछवारे गई थी। हम कहीं हुई खड़ा रहा है आया जी। उन्हें अंदर बुलाओ तो मैं उनसे बात करूंगी। आवा चाचा जी, अब क्या करने आए हो? रानी बहू, हमें बहुत दुख हुआ कि तुम लोग घर छोड़कर चले आए। हम सोचते हैं कि घर चलो और सुख की रोटी खाओ और यहां सूखी रोटी मिलती होगी, क्या फायदा है? हम तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे जीवन के लिए कह रहे हैं। अब तू यहाँ का करे आया? अपन माटी दे आया है, हमका सबका देखा आया है कि हम सब खात यही, पियत यही, जियत यही कि मरत यही कि भूखी रहत यही है, का करे आया है? बहू, हम तुझे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनो। सुनाओ। तू बात मानो बहू, तुम घर को चलो। कमा कर तुम्हें ना और खिला पाएगा, अपनी दुल्हन बनाने मैं आया हूँ। वो कमा कर खिला ना पाए तुझे, अपनी दुल्हन बनाने को आया हूँ। चाचा बोलो। सुनिए, मैं आपसे बता रही हूँ। मेरे पीछे ना पड़िए, चलिए चाचा ससुर मेरे पीछे ना पड़िए, चचिए ससुरी आपकी दौलत मुझको नहीं चाहिए, मेरा पति जैसा भगवान है मेरे पास, आप ही के साथ रहना नहीं है। यानी कि सीधे का मुंह कुत्ता चढ़ता है। चाचा, भगवान जैसा मेरा पति मेरे साथ है और लक्ष्मण जैसा मेरा देवर मेरे साथ है, मुझे आपकी धन दौलत और ये हिस्सा नहीं चाहिए। इतना बड़ा गांव है चाचा, कहीं भी मांग के अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, आप जिस तरह से आए हैं उसी तरह आप सीधा चले जाइए। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें ले साथ ले जाके आया हूँ। हम तुम्हें साथ ले जाएंगे भैया रामबली। एक का महटी दोनों के समझाए देख चला जाए यहाँ से।
वरना मेरे पति जी आ जाएंगे, कहीं मेरे देवर आ जाएंगे तो इनकी खैरियत नहीं होगी, समझा? जौनी की आया वही चला जा, इम इज्जत यहाँ है। तो चाचा हमारे होके ना जाए पहले जौनी का आया, इनका जाए परे। हम हो कहा दे राम वाली कहा था, और सीधे चला जा नहीं जल बवाले होए। जूता देखा है? ढेर जूता देखे लेकिन पहना नहीं है। हमका जरूरत नहीं पहरे। हमका जूता सूट नहीं करते ना सब। अरे नालायक, ऐसा बूट जिंदगी में पहनोगे नहीं। तू चला जा तो उससे हमका मतलब नहीं ना, तोहरे की हमका जाए कहा ना आवे कहा। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहता हूँ, पीछे हट। भौजी हट, वरना अगर राम जी रारी खोपड़ी खराब हो गई तो याद रख कि मुझसे बुरा इंसान ढूंढोगे नहीं पाओगे। मेरी बात सुन रानी। सुनाओ चाचा। मृगनैनी गजगामनी गुलभैनी गुलफाम, और मुझे पिला दो ऐ प्यारी अपनी आंखों का। मुझे वसल का जाम प्यारी पिला दो मुझे, पिला दो मुझे। गुलबदन रानी। चाचा जी क्यों पर्दा कर? चाचा जी आप मुझे बदतमीजी मत करना, अगर बदतमीजी करना है तो जाओ हुई मटकी डंडी हर जाय से करो ना। वही भैंसक लगे जाते ना ही माटी दौनू, यहाँ का देखा जा रहा बिलाय। जब तक तुम्हें आगोश में नहीं बिठाऊंगा, तुम्हारे साथ गुलछर्रे नहीं उड़ाऊंगा, तब तक यहां से नहीं जाऊंगा, समझ गई? भैया रामबाली। ऐ रामकली। रामबाली है रामकली ने पगला जिन। मैंने समझा रामकली है। तो का सारे वो मार मार अपना, तो का ठिकान ना मिले हो जान। अरे वैसे चेहरा तुम्हारा भी अच्छा है। हमारे अगर तुम्हारा चेहरा ऐसा है, तुम्हारी बहन का चेहरा तो और बढ़िया होगा। हमारा चेहरा अच्छा है, तू सारे पक्का मेहरा। आओ मेरी जान। एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। अरे क्या नाम तेरा? तोला राम मिश्रा। चाचा सन आप? सन आप राम मिश्रा। वेरी गुड, थैंक यू। पीछे हटो।
यही माल हमको पसंद है। पसंद है? हाँ ये माल ले जाओ साले को, ले जाओ, आओ ले जाओ झाड़ी के पीछे, आओ चले हम तो झाड़ी के पीछे। सारे भाई मजा आ जाएगा। क्या कहा मास्टर? चाचा एक बात मोरी रानी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? रानी अरे एक बात मोरी रानी, गठिया लिया चुनरिया, बिना मोल के बिकी जइबू माया की वरनिया। ठगहारी ठगहार, अरे तुम इस झोपड़ी में रहती हो, कोई भी आ सकता है। ठगहारी बहुत मिली है, ठगहार बहुत मिली है छोटी सी उमरिया में। सौ बार लगे ठोकर, सौ बार लगे ठोकर बाली सी उमरिया। सीधे का मुंह साला कुत्ता चाटता। अगर तू नहीं मानेगी तो आ तेरे साथ ये राम जी रानी जबरदस्ती करेगा। नहीं, और इस झोपड़ी में तुम्हारे ये चिलेंडरू साला तो हाय दुई नौ आंखें हाय काली। क्या कह नालायक साले देखने जाऊं? हाय तू ना आखा है कानी, तू कर दाई अब मन मन। बोल रानी। मैं कहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए और मुझे छूने की कोशिश मत करना। चले जाओ यहाँ से, मेरी नजर से दूर चले जाओ यहाँ से। रानी, मैंने जिस डाली पर नजर डाली है वो डाली डाली नहीं रही। मैं वो भला हूं कि शीशे से पत्थर को तोड़ता हूं। तुम तो बहुत छोटी चीज हो। लेकिन ये भी ध्यान से सुनना, मैं भी एक इतिहास की नारी हूं और इतनी ज्वलन है मेरे अंदर, पतिव्रता हूं। अगर छुओगे तो छूने से पहले भस्म हो जाओगे। प्रतिभा, कितना सुंदर नाम, लेकिन प्रतिभा का सत्र दिखाना यह हमारा काम है। मेरा नाम भी भगवान से मिलता है, राम जी रारी। जानती हूं, लेकिन मेरे पति और मेरे देवर को मालूम हो गया। याद कर वो दिन, अरे वो सब साले लकड़ी काटने गए हैं। याद कर वो दिन जिस तरीके से मुझे घर से बेघर कर दिया है। तो अगर पता लगे मेरे पति और मेरे देवर को, तो यहाँ से तेरी आवाज नहीं, तेरी सांसें वापस जाएगी।
तोलाराम, शाम होने को आई है, इज्जत बर्बाद करके यहाँ से जाना भी है। बिल्कुल ठीक है। मेरी पापी नमक हराम, वरना एक मिनट में सारे ले लूटे। वरना एक मिनट में तेरी ले लूं साले। यहाँ से ऐपाजी सहे चा चला जा तू यहाँ से ऐपाजी शैतान, वरना तेरे मुंह पे थप्पड़ मार। तो मुझको मालूम तेरी कथा आ गई, मुझको मालूम आज तेरी कजा आ गई, काल तेरा तेरे सर पे चकरा रहा, मौत लिखी है तेरी अबे मेरे हाथ से, इसलिए क्रोध तेरा। भाग जाओ। अच्छा, बीच में मेरे दखल करना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, शायद मुझको है तूने अब जाना नहीं। राम जी रारू को जानता है। अपनी औकात मैं बात कर तू बेशरम, अपनी औकात बात कर बेशरम, सीधे चुपचाप यहाँ से तू लेना रास्ता, वरना मुझसे बुरा रात कोई होगा नहीं, आज गिन करके बदला चुका हूँ मैं। तो तेरी औकात को हूँ मैं पहचानता। अच्छा, मेरी औकात को तूने जाना नहीं, मार गोली तुझे भेजोल के अदम, लगेगा तेरा जहां में ठिकाना नहीं। रमेश, अगर तूने मुझसे रार किया, तो याद रख, ये तो जानता है कि मैं तुम्हारा चाचा हूं, लेकिन मेरी चाल को नहीं जानता है। तू साले कुकुर मत्ते चाचा था, लेकिन कुकर्मी इंसान अब तेरे मेरे बीच में चाचा और भतीजे का रिश्ता नहीं है। मैं उस रिश्ते को खत्म करके उसी दिन आया जब तूने लोगों ने मिलकर हम लोगों को घर से बेघर किया था। आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी और तू दया की भीख मांगेगा। राम बलि समझाने का गलत कदम मत उठाना, गलत कदम उठाओगे। गलत कदम उठाने वाले के साथ में मैं गलत कदम उठाता ही हूँ, जो पहले ही गलत कदम उठाया हो उसके साथ तो गलत करना ही। मेरा नाम राम जी रारी है, अगर राम जी रारी से रार ठानोगे तो इस दुनिया में इस संसार में जिंदा नहीं। साले हरामखोर कमीने इंसान, रार तूने ठानी है, मैंने नहीं ठाना रार। राम बलि, इस साले को उधर रखो, उसको इधर आ गया। अरे ए चाचा भतीजे का रिश्ता निभाने आया है, मेरी भाभी इस स्थिति में देख रहा है और साले उसके साथ तू गद्दारी। राम
राम बली, इसको वहीं पर। ए, तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तोला राम है। तोला राम है? मेरा नाम तोला राम। तेरे बाप का नाम? राम अवध। राम राम अवध है? क्या बे साले तोला राम, बाप का नाम तो अच्छा है लेकिन तेरा नाम मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। साले इस कुकुर मित्ते के साथ आके मेरी मड़ही में राजा कुकुर मित्ता। चप चप। मारू ना? नहीं मारो ना भैया, आज तेरे बदन की खाल खींच लूंगा साले। देखना बेइज्जती तो नहीं हो रही है? अरे बेइज्जती है? अब कहाँ कहाँ साले, तुम लोगों के पास कौन सी इज्जत है जो बेइज्जती होगी? इसका साथ छोड़कर जाएगा कि नहीं जाएगा? जाओ जाओ साले, हट जाओ। दौड़ा के जूते से मारूंगा साले। राम जी रारी, मेरे कहे गए शब्द को ध्यान दो। मैंने क्या कहा था आते वक्त? कि मेरी झोपड़ी की तरफ नजर उठा के मत देखना। तो क्यों आया यहाँ? अब तो साले गलत बोल रहा है। इस साले राम बली, ओ भैया, इस नीच के पास कोई बहन है ही नहीं। हां मेरे साले की बहन राम जानी था। अगर इसकी बहन होती तो वो मेरी बुआ होती। मेरी जब भैया तू पैदा नहीं रहा, एक एक बहन रही है। लेकिन साला इतना हरामी है, क्या किया उसके साथ? साला लोन नहीं उठाई से। ऐसी गुस्ताखी करोगे इधर फिर लौट के आओगे? नहीं नहीं आओगे ना? नहीं नहीं आओगे? नहीं नहीं आओ। रुको, यह लाके मनाई नहीं सारा। तूने कहा था, और वो मेरी मोटकी भौजी जो है रजनी रे, उसने कहा था कि चार दिन में जब इन्हें खाना पानी नहीं मिलेगा, कोई सहारा नहीं मिलेगा, तो लौट के आएंगे, भीख मांगने आएंगे तेरे दरवाजे। भैया, ए भैया, कहा तो रही हमारा नाम है रजनी रे, यही से हमारे देह रहा था गरम। कहा तो ही एक एक ससुर पर आ पितिया ससुर सारे, जब ताई पतोहू को लात नहीं खा लेते। सवेरे हो पतो, चलो मैं इसे समझा। सवेरे सवेरे पतोहू को लात जब तक खाते नहीं, उनके पेटे के खाना हजम नहीं हो। वैसे साला यहाँ करी बहिनी का क्या बे? बहु क्या होती है? क्यों मुझसे कहलवाना चाहते हो? और क्या मैं तुम बताओ बहु तुम्हारी लगती है? बहु बेटी के समान होती है। बेटी बहु बेटी जैसी होती है ना? हाँ। और बेटी के साथ कोई ऐसा घिनौना पाप करना चाहता है? नहीं। तब तूने क्यों किया? क्यों किया? आदत से मजबूर हूँ। आदत? रारी हूँ। राम जी रारी, इसीलिए ठानते हो रारा? हाँ। ठानते हो? ए, जाना चाहते हो यहाँ से सराफा? अभी नहीं, ऐसे नहीं साले, काट डालूंगा मेरी भाभी माँ से। भैया काट डाल, भाव से बेचे। गलती मानो, लेकिन गलती मानो क्या? कैसे? पांव छू कर कहो। पांव छू? हाँ, ये कहना है कि छोटी बहू मुझे माफ कर दो, आज के बाद तुम्हारी मड़हिया की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। छोटी बहू मुझे माफ कर दो? ऐसा नहीं साले। होशियार रहना, भागने ना पास साले। कैसे भागे? माफी मांग, इधर आओ, माफी मांगो साले। इधर आओ,
माफी मांगो। किधर? माफी मांगो। घोड़े गिरा। पैर छुओ। घोड़े गिर के माफी मांगा। तेरी नकटा की साथ नहीं छुओगे। नहीं छुओगे? छूंगा। पांव छूंगा। हाँ पांव छुओ। पांव उठाकर? पांव उठाया जाता है साले। पांव उठाया जाता है। तो आप बताइए ना। पांव छूकर कहो छोटी बहू हमें माफ कर दो। पांव छूकर कहो। ले नालायक इंसान मैं तो उठ। पहले हाथ जोड़ो ऐसे। जोड़ कैसे? ऐसे। तुम्हारी गलती माफ कर दिया। मेरी गलती माफ कर। आप तो हाथ जोड़ रहे हैं तो माफी किसको दूं? मैं तुम्हें बता रहा हूँ साले। बता रहा हूँ। समझा तो मैं समझदार हूँ। समझदार होते तो अब तक समझ गए होते। हाथ जोड़कर कहो छोटी बहू मुझे माफ कर दो। मैं? हाँ। पहले बोलो बे। आजमा रहा हूँ, बैठ नहीं पाऊंगा। नहीं आजमा ले। ठीक है। छोटी बहू मुझे माफ कर दो। लो लगनिया पारे बनिया। लो लगनिया पारे। अगर ठिकाने आई हो तो यहां से अब चले जाओ।